है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरीश। और आज मतलब बहुत बड़ी अपडेट है। काफ़ी मेरे से इंस्टा पे पूछ रहे हैं कि भैया ये सारी न्यूज़ सही है क्या। तो भाई मैं बता दूँ आपको कि ये सब न्यूज़ सही है, एकदम कोई फेक न्यूज़ नहीं है। 7-8 सिटीज़ में ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। और टर्नोपिल का और लवीव का आपको बता दूँ तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, पहले आप ये देख लो फिर बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये वाला, तो ये मतलब कि लवीव का हॉस्टल है, ठीक है। तो वेस्ट साइड में अभी इतने सारे अटैक किए हैं उन्होंने, तो आप सबको बता दूं कि अटैक क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल मैं गेस कर रहा हूँ ये कि यूक्रेन ने जब से क्रीमिया ब्रिज पर जब से अटैक किया है, आप सबको बताइए क्रीमिया ब्रिज पर जब अटैक किया है, क्रीमिया ब्रिज रशिया को जोड़ता था, मतलब वही एक की थी रशिया के पास जो जिससे वो यूक्रेन में यू नो आ सकता था, तो वो उसने अटैक करके बर्बाद कर दिया है। उसके बाद से रशिया मतलब बौखला गया है भाई, एकदम बाद अटैक पे अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन जाने का प्लान कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो देखो। तो आपने देखा कि यार इधी कॉलेज लाइव मतलब इससे 100 या 200 मीटर दूर होगा वो, और इसके पूरे बाल जल गए हैं। अगर ये मतलब बच गई है शुक्र है, बट बहुत रिस्क है ब्रो, बहुत रिस्क है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको क्या है, क्लासें ऑफलाइन चल रही है। ऑफलाइन से मेरे को याद आया, जब मेरी क्लासें ऑनलाइन चल रही है, मेरी क्लासें अभी ऑनलाइन चल रही है आपको बता दूँ, तो जब हम ऑनलाइन कर रहे थे तो जैसे कि टीचर से बात कर रहा था, मैं आपको चैट दिखाऊंगा यहाँ पे अभी, तो टीचर से मैंने पूछा, टीचर ऐसे बात कर रहे थे कि अभी कहाँ हो, घर पे हो, कहाँ हो, मतलब इंडिया। बोला कि अभी तो हम इंडिया ही हैं और बहुत हम आने का सोच रहे हैं कि नवंबर तक या फिर ऐसे, और बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो वो बोले कि हाँ यहाँ पे मतलब कि 3 ग्रुप हैं उनका ऑफलाइन चल रहा है। टीचर ने ऐसा बोला तो मैंने बोला या आई नो, बट टीचर बोला कि अगर आप यूक्रेन आ रहे हो मतलब कि आप हेल में आ रहे हो, समझ रहे हो, तो मतलब यूक्रेन जाना वो खुद बोल रहे कि यूक्रेन आना मतलब तुम नर्क में आ रहे हो। वहाँ के टीचर भी बहुत बहुत उनको भी मतलब वो भी परेशान है, बट वो तो क्या कर सकते हैं बेचारे, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब ये है कि सब डरे हुए हैं भाई। और आज का अपडेट दे दूँ आपको, तो आज जैसे कि आज मेरी क्लास थी, आज टीचर बोलती है कि अभी वहाँ पे अलार्म बज रहे हैं, वहाँ पे सायरन बज रहे हैं, तो अभी क्लास नहीं ले सकते। तो आप जैसे ये कम देख लो, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मेल आया है, तो अभी आज ही 10 मिनट के अंदर अंदर 2 मेल आए हैं। पहले मेल में तो इन्होंने बोला हुआ है कि वी रिमाइंड यू दैट ईच टाइम यू हियर दैट द अलार्म साउंड सो यू शुड नॉट गो टू क्लासेस। इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपको अलार्म की आवाज़ आती है तो आपको क्लास नहीं जाना है, क्योंकि हमारी क्लास से जैसे कि मैंने बताया कि ऑफलाइन चल रही थी, जो वहाँ पे स्टूडेंट है जो मेरे, अरे यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, इंडिया में कुत्ते भी है ना बहुत परेशान करते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको कि जैसे कि ये बोला हुआ है कि अगर आपकी क्लास, जैसे कि हमारे 3-4 ग्रुप की क्लासें ऑफलाइन चल रही है वहाँ पे, आपको बता दूं कि इनको आज मेल आया था हमको, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको अलार्म की साउंड सुनाई दे तो आपको क्लास नहीं जाना है, आपको शेल्टर और बम शेल्टर में जाना पड़ेगा, आपकी जब तक कि अलार्म की आवाज़ बंद नहीं हो जाती आपको वहाँ पे भागना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लास में लेट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी एब्सेंट नहीं लगेगी। एब्सेंट नहीं लगेगी उसका मतलब है कि हमारा क्या है कि पेमेंट में होता है, फिर अगर आप एक भी दिन मिस करते हो ना कॉलेज, तो अराउंड 1200 के अराउंड पेनल्टी होती है हमारी। तो इसमें लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट ड्यू टू ऑन गोइंग एंड लास्टिंग एयर अलर्ट टूडे क्लासेज विच हैपन ड्यू टू दिस एयर अलर्ट सो विल बी सेल्फ रिवर्क विदाउट पेमेंट। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आप रिवर्क कर लेना विदाउट पेमेंट के, और टुमारो क्लासेज विल रिज्यूम एज यूजल इन बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। तो कल की क्लासें ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगी, आज के लिए ऑनलाइन कर दी इन्होंने। तो ये चीज़ें यार, ये सब चल रहा है। देखो यार, वो लोग जिन्होंने फ्लाइट कर ली है, उनका वीज़ा आ गया है मोल्डोवा का या पोलैंड का,
वो लोग तो कैसे मतलब पैसे बर्बाद, मतलब वो उनके पास जाने का ही ऑप्शन है। अब क्या ही करे ब्रो, मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं रहता ना हमारे पास कि क्या ही करे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मतलब वहाँ पे है भी नहीं इतना कोई वीडियो बना के और बताए कि ये सब हो रहा है यहाँ पे, तो कम से कम यहाँ की यहाँ की न्यूज़ वाले भी उसको चलाए। क्योंकि मैं था जब मैं हम पोलैंड में फंसे थे और बहुत जगह हमको बहुत दिक्कत आई थी, तो हम यूट्यूब पे लाइव गए थे, हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, तो उससे बहुत हेल्प हुई थी हमारी। लाइक सब न्यूज़ चैनलों ने हमारा कवर किया था वो वाला वीडियो, उससे मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है यार। तो आप लोगों से भी, अगर आप यूक्रेन से देख रहे हो, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो बनाओ और डालो, ट्राई करो यार, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए, यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैंने तो हर चीज़ का वहाँ पे डाला हुआ था ताकि पेरेंट्स भी टेंशन ना ले कि हम सेफ हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो मैंने लाइक शेल्टर का वो सबका व्लॉग डाल रखा है पहले, आप देख सकते हो पहले जाके, तो मैंने सब डाला हुआ था। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे, तो यार मैं बता दूं कि लाइव मैं ट्राई कर रहा हूँ। रशिया से बोल रहे थे आपकी, रशिया से कोई जो स्टूडेंट गए हैं टर्नोबिल के या यूक्रेन के, उनके साथ आप लाइव आओ, तो मैं ट्राई करूँगा। मैंने बात की हुई है, शायद मैं भी आज या कल हम लाइव आ जाएंगे, और फिर हम पोलैंड में भी दोस्त है तो वहाँ से भी लाइव करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मोर अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी हो न्यूज़ तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कोई अपडेट आता है तो मिलते हैं। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून।